नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एम एम एस एन सेंटर से, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फ्री फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से बाल को उगा सकते हैं। देखो, बाल दोस्तों आज के ज़माने में किसको प्यारा ना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर किसी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। क्योंकि एक बार बाल निकल जाते हैं ना या निकलने लगते हैं तो जल्दी उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा फार्मूला मैंने खुद ट्राई किया, क्योंकि मैं एलोपैथ के होम्योपैथ के अलावा मैं आयुर्वेद भी पढ़ते रहता हूँ। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ा है, पढ़ा क्या है, मैंने इसको ट्राई किया है काफ़ी बार। मैंने इसको कोशिश कर रहा था, मैं इसको वीडियो बनाने का बना, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये एक आपको मैं ऐसा फ्री फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आपको फ्री में आसानी से घर बैठे आप बाल को फिर से, जिसका निकल रहा है उसको आप रोक सकते हैं, जिसका निकल चुका है वो बाहर मतलब कि उड़ चुका है वो वापस से फिर से निकल आएगा। बाल मतलब जो उड़ चुका है उसको भी निकलना ही कहते हैं, और जो निकल चुका है वो फिर दोबारा लगाने से वापस आपके बाल उग जाएंगे। देखिए, पहले आप जो है समझ लीजिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ ध्यान से, उसके बाद इसको आप यूज करिए। अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। देखिए, हर चीज़ में एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो कोई भी काम बनने वाला नहीं है। इसको कम से कम आपको 2 से 3 महीने यूज करना है। 2 महीने अगर बहुत ज़्यादा आपको निकल चुका है, देखिए वो नहीं कि कोई 70 साल का बुजुर्ग को लगाएंगे आप निकल जाएगा, वो बंदा जिसको 35 साल से 40 साल उम्र हो गया है और उससे नीचे है, 35 साल 40 साल से नीचे है। देखिए, समय के साथ तो हर चीज़ निकल जाना है, एक दिन आप भी निकल जाओगे, मैं भी एक दिन निकल जाऊँगा, मतलब इस दुनिया से ही निकल जाऊँगा, तो बाल तो क्या चीज़ है। लेकिन वो जो है समय से पहले बाल आपका निकल रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम करता है। ये नहीं है कि आप 70-80 साल के बूढ़े को या 60 साल के बूढ़े को आप कहो इसको लगाओ तो आप ठीक हो, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। और जो हेरिडेटरी होता है, जो जेनेटिक होता है, वो भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो जनरल जैसे बाल ऐसे खींचते हो और हाथ में ऐसे बाल आ जा रहा है, इस तरह का अगर समस्या है बाल निकलने का, या जो नए बच्चे जैसे अभी पढ़ रहे हैं, मुझे एक मैसेज आया था कल कि सर मैं अभी 18 साल का हूँ, मैं अभी जो है 12 का स्टूडेंट हूँ और मेरा बाल जो है पूरा पीछे से यहाँ से निकल गया, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बताया था कि देखो, फ्री का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, दवा खाओ भी ऐसे इस हेयर फॉल में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल फ्री है। इसमें दोस्तों आपको करना क्या, पहले आप समझ जाइए। पहले तो एक प्याज लेना है आपको, इतनी बड़ी प्याज मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं दिखाई देता, इतनी बड़ी प्याज मतलब कि एक 50 ग्राम का प्याज, 50 ग्राम को प्याज लेना है, और 50 ग्राम उसमें आपको मिलाना है धनिया, धनिया मतलब कि हरा धनिया, जो पत्ती वाली है धनिया, तो वो धनिया आपको मिलाना है। मैं इधर थंबनेल लगा दूंगा। तो 50 ग्राम एक प्याज का टुकड़ा लीजिए, मतलब या तो पीस हो या तो टुकड़ा हो, लेकिन प्याज होना चाहिए। प्याज में दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर होता है, और सल्फर एक ऐसी चीज़ है जो चर्म रोग को रोकता है। कच्चा प्याज खाने वाले जल्दी उनको चर्म रोग नहीं होता। देखिए, शहरों में बहुत ज़्यादा चर्म रोग होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चर्म रोग कच्चा प्याज बहुत कम खाते हैं। देखिए, कच्चा प्याज खाने में आपको शामिल करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। रोज़ कम से कम तो है 10 से 20 ग्राम प्याज कच्चा आप खा सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है शरीर के लिए। तो कच्चा प्याज आप ले लें, 50 ग्राम प्याज, 50 ग्राम जो है धनिया, हरा धनिया ले लें, और उसमें थोड़ा सा आपको मिलाना है दोस्तों बादाम का तेल, अगर हो सके तो। अगर बादाम का तेल है तो ठीक है, अगर नहीं है, थोड़ा सा का मतलब कि 10 बूंद बादाम का तेल उसमें मिलाना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्याज और धनिया का पत्ता 50-50 ग्राम ले लीजिए, ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करिए ढंग से, पीसने के बाद बहुत बारीक जब पेस्ट हो जाए तो ऐसे लेकर के जहाँ भी उड़ा है, मान ली मेरा तो उड़ा नहीं है, इधर थोड़ा बहुत है, तो जब मान ली साज करेंगे इतना इतना, तो जहाँ भी उड़ा है, अगर कहीं कई लोगों को पैच आ जाते हैं, ऐसे पैच आ जाता है, तो पैच पे भी ऐसे ऐसे लगा करके आपको सुबह शाम 2 टाइम, आप जो आप सुबह में बनाएंगे उसको आप शाम में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लगा करके कुछ देर पहले ऐसे हल्की मसाज कर लेना, फिर कुछ देर रख के ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऐसे 2 महीने लगातार करना है, देखिएगा आप धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे पहले रोइंग टाइप के निकलने लगेंगे। अगर आपका बाल निकल रहा है तो पूरी बाल में आप ले लें 50 ग्राम, आप पूरे अच्छे से ऐसे ऐसे चम्पी कर लें,
अंदर से लगा लें तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल जो है दोस्तों होगा, हेयर फॉल की समस्या आपको दूर हो जाएगी और डैंड्रफ वगैरह हो गए। कभी कभी दोस्तों क्या होता है महिलाओं में कि उनके बाल गीले होते हैं और गीले बालों को ऐसे बांध लेते हैं, पुरुष भी कभी कभी ठंडी में पूरे गीले बाल सूख नहीं पाता है, तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, तो फंगस के कारण क्या होता है वो फंगस जड़ में अंदर चला जाता है और जड़ में जाने के बाद वो जड़ को वीक करता है जिसके कारण जो निकलने लगते हैं। ये लोग गौर नहीं करते, जो पैचेस होते हैं वो पैचेस में भी आप गौर करेंगे एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को अगर जब तक हटाएंगे नहीं तब तक पैचेस नहीं होते। वो पैचेस क्या होता है, पैचेस का मतलब होता है ऐसे, मैं पिक्चर लगा दूँ आप देख लीजिएगा, ये छोटे से ऐसे यहाँ गोल टाइप के ऐसे बन जाएगा, वो बढ़ते चला जाता है ऐसे, तो उसको पैच कहते हैं हेयर पैच। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि बाल हमेशा सूखा रहे। अगर महिलाएं अगर बाल जो है अपना बना रही हैं तो नहाने के बाद उसको ड्रायर से अच्छे से सुखा लें, पुरुष भी अच्छे से सुखा लें, उससे क्या होगा बैक्टीरिया फंगल वगैरह ये सब लगने की, जुएं की भी समस्या नहीं होगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जो उसको देखना पड़ता है। देखिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि एनी मेडिकेशन कैन क्योर योर इलनेस नॉट द मिस्टेक यू मेक, कोई भी दवा आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, आपकी गलतियों को ठीक नहीं करेगी। तो कुछ गलतियाँ जो आप कर रहे हो जो मैं इसमें बता चुका हूँ उसको आप सुधार लें और ये बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है, बिल्कुल फ्री। अच्छा इसमें क्या थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना होता है बस यही है, नहीं तो दवा तो मैंने पीछे वीडियो में बता दिया, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मुझको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई सुझाव हो या सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर दोस्तों ज़रूर करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बी हेल्दी कीप हेल्दी।